हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज की 12 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। और यही पहली अपडेट, HPU के BC के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट, राज्यपाल लेंगे फैसला। तो यहां पे जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में साक्षात्कार लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग की अध्यक्षता में चयन कमेटी ने 22 आवेदकों के साक्षात्कार लेकर 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब इसके ऊपर राज्यपाल जो है फैसला लेंगे। मार्च 2022 से नहीं है नियमित कुलपति। इसके अलावा बात करें तो बिजली बोर्ड ने 1 नवंबर से 81 चालकों की सेवाएं की समाप्त, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को सेवाएं नहीं लेने का भेजा पत्र, CM से मिले बोर्ड कर्मी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कीर्तिपुर नहर चौक फोर लेन निर्माण कर रही 5 कंपनियों पर FIR। गोविंद सागर झील और नाले में मिट्टी जाने से हो रहा है पर्यावरण और जल प्रदूषण। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो कैबिनेट के फैसले हैं, वन मित्र भर्ती में नहीं होगा 10 अंकों का साक्षात्कार, सरकार ने शर्त हटाई। कैबिनेट के फैसले, 2061 पदों पर जल्द शुरू होगी वन मित्र भर्ती प्रक्रिया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 150 नर्सिंग कर्मचारियों और 10 डॉक्टरों के पद भरने को दी स्वीकृति। नियमित होंगे 964 वेटरनरी सहायक। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत दे रहे थे सेवाएं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 75 वर्क इंस्पेक्टरों के पद भरने को दी मंजूरी। इसके अलावा नादौन में खुलेगा उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय, इंदौर में अग्निशमन चौकी, शिंकुला में पुलिस चौकी। इसके अलावा बात करें तो 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिश मंजूर। कैबिनेट के अन्य फैसले भी हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। होमगार्ड के अधीन होंगे SDRF के 359 जवान और उपभोक्ता कल्याण फंड में केंद्र से हिमाचल को मिलेंगे 18 करोड़। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, कैबिनेट के फैसले जो हैं ये मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मिल्कफेड 26 अक्टूबर से प्रदेश में 28 स्टॉलों पर बेचेगा मिठाइयाँ। दिवाली की तैयारी, शुगर फ्री मिल्क केक, कोकोनट बर्फ़ी और पहाड़ी बर्फी समेत 13 तरह की मिठाइयाँ करवाएगा उपलब्ध। लाहौल में गिरे बर्फ के फाहे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, गोविंद सागर झील में राज्य स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल 27 से। तो यहाँ पे 27 अक्टूबर से 5वें राज्य स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के 200 खिलाड़ी जो हैं हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, IIT अब मेडिकल इंजीनियर करेगा तैयार। डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवर के लिए मेडिसिन व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को जोड़कर पाठ्यक्रम तैयार। डॉक्टरों की प्रैक्टिस का नहीं होगा नुकसान। नेक्स्ट अपडेट, कल्पा में इस बार सर्दियों में ले सकेंगे स्केटिंग का मजा। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जिले को मिली सौगात, 49 लाख रुपये किए जा रहे हैं निर्माण पर खर्च। नेक्स्ट अपडेट ये रही, BSc MSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग कल, MAMRU खाली पदों की सूची आज करेगा जारी। इसके अलावा विश्वविद्यालय जो है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन रेट बढ़ाया है, तो 17 से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका कर दिया है। इवेल्यूशन ब्रांच और मूल्यांकन केंद्रों में सेवाएं देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मानदेय रिफ्रेशमेंट की दरों में भी बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो ये मूल्यांकन रेट बढ़ाया है इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, PG डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं नवंबर में करवाएगा HPU। ये दोस्तों मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पर देख ले। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आप 11 नवंबर तक भर पाओगे, 11 नवंबर लास्ट डेट है। और इसके अलावा आईशेड्यूल वाले छात्र जो हैं वो भी ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो भरना स्टार्ट हो चुके हैं, वेबसाइट मैंने वहाँ पे नोटिफिकेशन में बताई हुई हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और बाकी आप ये 11 नंबर तक भर लें। और एक स्पेशल चांस भी दिया है विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को दिया है, PG डिग्री कोर्स BHM की डिग्री पूरी करने का मौका। तो 2009-10 के बाद के जो PG कोर्स हैं या पंजीकृत MA एजुकेशन, MA MSc मैथ के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने का मौका यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए 20,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी MA एजुकेशन में, और PG डिग्री कोर्स में प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये लगेंगे। इसके अलावा MA अंग्रेजी और MCOM चौथे सेमेस्टर का परिणाम घोषित हो चुका है। आप सभी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। अगर नहीं हो रहा होगा शो तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि इनका रिजल्ट थोड़ा ऐसे ही है,
मतलब ऐसे ही आता है धीरे धीरे स्लो, ठीक। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बाकी एक दोस्तों आज की अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।